अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका सदफ रिजवान व्लॉग्स में। आज हम लोग बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा। मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले पिज़्ज़े के लिए डो रेडी करते हैं। 2 कप प्लेन फ्लोर लिया, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया, सॉल्ट चाहिए 1/2 टीस्पून, शुगर चाहिए 1 टीस्पून, ईस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, बटर चाहिए 2 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स किया और हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ गूंद लिया। मलाई बोटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन चाहिए 1/2 कप, बोनलेस चाहिए, काली मिर्च का पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए 1/2 टीस्पून, लेमन जूस चाहिए 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम चाहिए 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, योगर्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, ऑयल चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। जी, सबसे पहले चिकन लिया, फ्रेश क्रीम डालेंगे, दही डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डालेंगे। आप लोग कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, काली मिर्च का पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, साबित लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, अदरक पाउडर, तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जी, 2 घंटे मुकम्मल हो चुके, अब इसको कुक करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, ऑयल को गर्म कर लिया, इसके अंदर चिकन ऐड किया, मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी, 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके, इसको ठंडा कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और इसको साइड पे कर देते हैं। जी, यहाँ पे डो हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और सबसे पहले मैदा डस्ट करते हैं, इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। इसको सेट कर लिया और इसको बेल लिया। जितना आपका ट्रे है उसके मुताबिक आप रोटी बनाइएगा। जी, सबसे पहले ओवन वाला ट्रे लिया, इसको ग्रीस कर लिया, सेट कर लिया और फोक की मदद से सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले ना। जी, यहाँ पे चिकन जो कुक कर लिया था, 1 कप मोजरेला चीज़ ली, पिज़्ज़ा सॉस लिया 1/2 कप, ब्लैक ओलिव्स लिए 10, यहाँ पे कैप्सिकम कम ली ग्रीन वाली। जी, बेस के ऊपर सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया। इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। जी, अब इसके ऊपर लगाएंगे जो कुक किया हुआ था चिकन, वो लगाएंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाई कैप्सिकम। जी, अब इसके ऊपर लगाएंगे अगेन मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक वाले ओलिव्स, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा लगा लीजिएगा। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 पे रख के 15 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं तो आप लोग इसे पतीले में भी रेडी कर सकते हैं पिज़्ज़े को। जी, पिज़्ज़ा मैंने रख दिया, इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक करते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप मलाई बोटी पिज़्ज़ा रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस मलाई बोटी पिज़्ज़ा को घर में बनाएं और अपने बच्चों को बना के दें। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाएं तो आप उनको भी बना के दें। जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।